बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और सभी के घरों में कुर्बानी की जो है तैयारियां हो रही हैं, और किसी की कुर्बानी हो चुकी है, किसी की कल होगी, किसी की परसों होगी, सब जो है वो इसमें बिजी हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है मटन चॉप्स की। मैंने जब अपना गोश्त काटने का और कौन से पीसेस किस तरह से कटते हैं उसका जो आप लोगों को वीडियो करी थी, जो आप लोगों ने देख ली है, तो उसमें मैंने आपको चॉप्स का तरीका बताया था। ये देखें, ये फ्राई के चॉप्स हैं और इसके ऊपर ये हड्डी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये बड़े खूबसूरत से जो है ये चॉप्स बनते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी हम हड्डी के से भी ये कर देते हैं। अपने बुचर को आप लोग दिखाएंगे ना, तो इस तरह से आप लोगों को बना के दे देंगे। देखेंगे इस तरह से। तो अब ये हमारे पास तकरीबन 1/2 kg के करीब चॉप्स हैं, ये हम डालते हैं। वैसे मैं कुकर में डाल रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मली उसमें भी डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 प्याज रफली चॉप। मैं ये इसमें डालती हूँ थोड़े से चिरबी के पीसेस, 2-3 पीसेस हैं चिरबी के, ये ले लें। तो इसका जो जूस है ना बहुत अच्छा आता है। ऑप्शनल है, आप नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर हमें जो मिलते हैं ना जूसी, और तो वो इस वजह से जूसी आते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून डाला है। तकरीबन 1/2 से 1.25 ग्लास पानी डाल के इसको 15-20 मिनट के लिए पका लेंगे कुकर में। आप लोग अपने पतीले में देखना चाहें तो आप अपने पतीले में पकाइएगा, बस ये ख्याल रखिएगा कि इसको बहुत नहीं गलाना है, 80% कुक करना है। कवर करते हैं 10 से 15 मिनट बाद इसको देखते हैं। 80% हमें टेंडर करना है, 100% नहीं करना है, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, जब तक हमारे चॉप्स जो है वो बॉयल हो रहे हैं, हम यहाँ पे एक मैरिनेशन तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबल स्पून के करीब योगर्ट है। गाढ़ी दही लीजिएगा, थोड़ा सा अगर पानी निकाल लें तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। गाढ़ी गाढ़ी दही लीजिएगा, बहुत पतली नहीं लीजिएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे ज़रा सा एक चुटकी भर जो है ऑरेंज फूड कलर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे हम डालेंगे भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, और पेपरिका 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही सॉल्ट डालेंगे हम 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डालेंगे हम 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पर मेरे पास 3 तरह के जो हैं वो फ्लावर हैं। कॉर्न फ्लावर है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जो है वो बेसन का आटा है, और 1 टेबल स्पून चावल का आटा है। ये सब हम इसमें डालेंगे तो इससे जो है एक बहुत अच्छा क्रिस्प इसके ऊपर लेयर आएगी। और 2 ड्रॉप्स हम लेमन जूस के डाल देंगे। इसको मिला के रखते हैं, इन द मीन टाइम हमारे चॉप्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। फिर इसमें हम कोट करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। और इसका देखें, इस तरह से एक पेस्ट बन गया हमारा। अब हम इसको चॉप्स पे लगाएंगे। अगर पानी की नीड है तो हम 1 से 2 टेबल स्पून पानी भी डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें ज़रा सा, ताकि ये चॉप्स पे अच्छी तरह से लग जाए। बस करेंगे, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और स्पेशली ईद के दिनों में जब हमें जो है दावत करनी होती है, और जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी भी हमें दावतों में रखनी होती है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो फटाफट बन जाती है। और चॉप्स जो है वैसे हैं कि सभी को पसंद आते हैं, तो ये दावतों में ज़रूर अपने ये वाली चीज़ जो है वो ऐड कीजिएगा। देखें, इसको 15 मिनट के लिए मैंने बॉईल करा था, और अब इसकी शक्ल देखते हैं हम कितने गल गए हैं। अच्छा, ये देखें, ये जो है चिरबी की वजह से इसके अंदर बहुत अच्छा सा एक वो आया है, थिक सा एक इसमें जूस बना है, ठीक है। तो उस जूस को ज़ाया नहीं करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसको हम एक ट्रे में निकालते हैं और ठंडा होता है, फिर इसका आगे के स्टेप करते हैं। देखें, ये तकरीबन जो है वो 1/2 कप के करीब स्टॉक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसका सारा फ्लेवर और जूसेस जो है ना इसके अंदर आ जाए। अब अगर ये पतला हो भी जाता है तो कोई इशू की बात नहीं है, हम इसमें जो है 1 चम्मच चावल का आटा और ऐड कर देंगे। बस 1/2 कप से ज़्यादा स्टॉक नहीं रखिएगा, और चिकना सब जो हमने फैट डाला था ना उसकी सारी चिकनाई इसमें आ जाएगी, तो बहुत ही अच्छा और फ्लेवरफुल हो जाएगा। चलिए, 1 चम्मच में इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए बस, लेकिन जो फ्लेवर है ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा आपको। अब हम एक के बाद एक जो है चॉप्स के ऊपर ये मसाला लगाएंगे और फिर जो है इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी देर मसाला लगा के रख दें। आप ये एक प्रोसेस, अगर आप दावतों वगैरह के लिए भी बनाना चाह रहे हैं तो आप ये एक प्रोसेस जो है वो तैयार है, मसाला लगा के आप इसको रख दीजिए और फिर जो है इसको हम डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से भी आप इसको पूरा डिप करके एक एक वन बाय वन करके, और इसको इस तरह से रख दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे चॉप्स को थोड़ी देर हो गई है मैरिनेट पे, अब हम ये इसको इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। और इसको डाल के फ़ौरन हिलाना नहीं है, इसको थोड़ी देर रहने दीजिएगा ताकि इसका कलर जो है बहुत अच्छे से आ जाए। ये गले हुए तो हैं, बस ज़रा सा इसको कलर देना है, फ़ौरन नहीं पलटिएगा। एक साइड हो गई है, अब हम दूसरी साइड को इसको टर्न करें। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दफ़ा जो है बकरा ईद गर्मियों में है, और बारबेक्यू करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता है ना, जाहिर इतनी गर्मी होती है, तो एक बहुत अच्छा जो है ये एडिशन है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। आपको ट्राई करके बताइएगा आपको कैसा लगा। क्रिस्पी भी है और मेहनत भी इतनी नहीं है। आप देखें, सिंपल सा इसको बॉइल कर लिया और फिर इसका मैरिनेशन तैयार करके इसको रख दें आप।
जिस वक्त गेस्ट आ रहे हों उस वक्त आप सिर्फ ट्राई कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपीज और मेरी एफर्ट्स अच्छी लगी होंगी, और आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं वो भी प्लीज़ मुझे बताइए। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों की रेसिपीज पूरी करूँगी। बस ये इसका कलर चाहिए, दूसरी साइड पर भी ये कलर आ जाता है तो मैं इसको डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखें हल्का सा हम इसमें यहाँ पे लेमन जूस डाल रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हल्का सा चाट मसाला ड्रिजल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, सिंपल एंड क्विक। इसको किसी भी चटनी के साथ आप सर्व करें। बहुत सारी चटनियाँ मैंने आप लोगों को सिखाई हैं, जो भी आपको पसंद है इसके साथ आप इसको सर्व कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर जो है ये अमरूद की चटनी के साथ सर्व करूँगी, आपको जो भी पसंद है आप उसके साथ सर्व कीजिए। इमली की चटनी, खजूर की चटनी, मैंने बहुत सारी चटनियाँ आपको सिखाई हैं, आप उसमें से जो भी आपको पसंद है आप उसके साथ। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे क्लाइंट्स, आप लोगों के लिए जो है हर साल की तरह इस ईद उल अज़हा पर भी आयशा कुज़ीन आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफ़र लेके आई है। हमेशा की तरह गोश्त आपका, जायका हमारा, हम करते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के जो है आइटम्स बनवाते हैं, अपनी कुर्बानी का गोश्त हमको भिजवाएँ और अपनी पसंद के मज़ेदार पकवान बनवाएँ हमसे। और जल्दी कीजिए अपनी कुर्बानी के गोश्त की बुकिंग हमसे जल्द अज़ जल्द करवाएँ। और यहाँ पर आपको नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कि मैं फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही ऑर्डर लेती हूँ जैसे आप लोगों को पता है। तो आप जितना जल्दी ऑर्डर अपने बुक करवाएंगे दावतों वगैरह के, तो वो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।